बढ़ते हैं, अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने अयोध्या को नव्य और भव्य बनाने वाले विजन डॉक्यूमेंट 2047 को समीक्षा की है। इसके साथ नोडल अधिकारी को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रामनगरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के तौर पर विकसित करने के साथ व्यापार रोजगार के संसाधन को उपलब्ध कराने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है और इसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर नव्य और भव्य अयोध्या का काम जारी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी लगातार अयोध्या के विकास की मॉनिटरिंग कर रही है। 7 मई को अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा कर चुके हैं। पीएम मोदी का निर्देश है कि अयोध्या की तैयारी साल 2047 के हिसाब से की जाए, 2047 में सब कुछ बनकर तैयार हो जाए और वो जनता को उपलब्ध हो। दरअसल 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर रामनगरी के संपूर्ण विकास का लक्ष्य भी है। विजन डॉक्यूमेंट के तहत फिलहाल अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार, पर्यटन सुविधा केंद्र, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, स्मार्ट रोड, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम जारी है। विश्व की ऐतिहासिक धरा को सुंदरतम बनाने और अयोध्या के समग्र विकास के लिए सीएम योगी ने 7 आयाम तय किए हैं, जिनमें सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, सक्षम अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, भावात्मक अयोध्या और स्वच्छ अयोध्या है। यूपी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या को तैयार कर रही है। इसके तहत 25,000 करोड़ की परियोजना अयोध्या में लाई जा रही हो, चाहे अयोध्या में रिवर फ्रंट की बात हो, रामकथा की पार्क की बात हो या फिर अयोध्या के समग्र विकास की बात हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ी और अगले 6 महीनों में अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कई अहम चीजें देखने को मिलेंगी। रामनगरी अयोध्या में फिलहाल 25,000 करोड़ से ज्यादा की 234 योजनाओं पर काम जारी है। देश जब आजादी के 100वें साल का जश्न मनाएगा, उस वक्त रामनगरी अयोध्या भी अपने नव्य और भव्य स्वरूप से देश की सुंदरता में 4 चांद लगाती नजर आएगी और इस काम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी लगातार काम कर रही है। अयोध्या में नव्य और भव्य बनाने वाले विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम शुरू हो चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट तो बहुत पहले तैयार करवाया था, अब उसको और बेहतर किया जा रहा है। अभी अयोध्या में वो स्वयं गए थे और विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन लिया था। हम लोगों का रोल 30,000 करोड़ जी, हम लोग का रोल धर्मार्थ कार्य से संबंधित है, जिसमें कुछ मेजर सड़कें हैं और पार्किंग भी एसोसिएटेड है, उन कार्यों को अब बहुत जल्दी ही फाइनल कर दिया। और अजय इस वक्त हमारे साथ, अजीत ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर देते हैं। अजीत, काम लगातार तेजी से चल रहा है और बारीकी से निगाहें भी सीएम की बनी हुई है विजन डॉक्यूमेंट पर। देखिए बिल्कुल, लगातार विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया उस पर काम किया जा रहा। 25,000 करोड़ रुपए और 234 योजनाएं अयोध्या में चले। भी थोड़ी देर पहले जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनसे हमने बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि हम त्रेता वाली अयोध्या बना रहे हैं, हम पीएम मोदी सीएम योगी वाली अयोध्या बना रहे हैं। 40 किलोमीटर पहले पूरब और 40 किलोमीटर पश्चिम, जब यहाँ राम भक्त वहाँ गुजरेंगे ट्रेन से बस से, तो उन्हें पहले ही इस बात का पता चल जाएगा कि वो रामनगरी अयोध्या में आ रहे हैं। इस बार का जो दीपोत्सव होगा
वो पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और इस बार गांव से दिए दान में मांगे जाएंगे। हमेशा ऑर्डर देके बनते थे, इस बार दान की प्रक्रिया की जा रही है, जैसे मंदिर के लिए दान, वैसे दीपोत्सव के लिए दान। तो चाहे राम कथा संग्रहालय हो, चाहे रिवर फ्रंट की बात हो, अयोध्या धाम का जो दस राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज हो, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, इसके अलावा गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या तक उसको नव्य और दिव्य और भव्य अयोध्या बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और यही बात पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम सारा फोकस अयोध्या पर ले जा रहे हैं। एक विश्वविद्यालय बन रहा है जहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा और सभ्यता पर पढ़ाई की जाएगी, डीलिट तक की पढ़ाई होगी। तो अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जो 2045 का डॉक्यूमेंट है, यानी जब 100 वर्ष आज़ादी के मन रहे होंगे, तो अयोध्या अपने अलग रूप में त्रेता वाली चाकू वंश वाली अयोध्या आपको दिखाई देगी। इस बात की तैयारी योगी सरकार और पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कर विभाग, सभी विभागों की तरफ से ज्वाइंट तरीके से काम किया जा रहा है। बिल्कुल अजीत, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए अयोध्या का पूरी तरीके से विकास और एक बदली हुई तस्वीर जो है आने वाले समय जैसा का टारगेट रखा गया है देखने को मिलेगी। और उसके साथ ये कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पर भी काफी समृद्ध नजर आएगा, क्योंकि तमाम जो चीजें हो रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तस्वीर कितनी भव्य होने वाली है आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि आने वाले वक्त में जो लोग पहले अयोध्या देखे होंगे और अब अयोध्या देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम दूसरी अयोध्या में आ गए। अभी भी अयोध्या की सड़कें हो, आप देखिए राम की पैड़ी को बना दिया गया, कथा संग्रहालय को बना दिया गया, जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके बाहरी जो मॉडल है वो राम मंदिर का मॉडल होगा, 3000 लोगों के रुकने के लिए बाकायदा डुप्लेक्स वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ करके काम किया जा रहा, तो तस्वीर भी बदल जाएगी और वहाँ रहने वाले लोगों की तकदीर भी बदल जाएगी, रोजगार भी बढ़ेगा। बड़े बड़े जो होटल्स रिजॉर्ट आ रहे हैं उसको लेकर पर्यटन विभाग ज़मीनें दे रहा है। तो काम लगातार चल रहा है अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि काशी में कहा था कि हमें वो वाली अयोध्या चाहिए जो त्रेता युग में अयोध्या। बिल्कुल, यानी कि पहली वाली अयोध्या अलग अयोध्या यहाँ पर होगी। जी, हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर।